नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट आईटीआई में। कैसे आप लोग, आशा करते अच्छे होंगे। आज हम आपके लेके फिर से एक न्यू रिक्रूटमेंट जो कि यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से निकल कर आई है। ठीक है, किसकी तरफ से? यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में आपको बताते हैं। वीडियो को जरूर लाइक एंड शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए आज का टॉपिक है उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इश्यूज और नोटिफिकेशन 13/3/2024 13 तारीख को आपका नोटिफिकेशन जारी हो गया था। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विल स्टार्ट विजिट 20/3/2024 20 तारीख से आपका ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यही जो आपका आने वाला है 20 तारीख से आप लोग का ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन टू बी फीस की बात करें, फीस कब पेड करना है आप लोगों को, तो 20 तारीख से लेकर 19 अप्रैल तक में आप लोग कभी भी फीस पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 19 तारीख यानी 19 अप्रैल को आपका लास्ट डेट होगा। डेट ऑफ डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड 30/4 यानी 30 अप्रैल से आप लोगों का एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगेगा। ठीक है, 30 तारीख से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। और वही टेंटेटिव डेट ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन की बात करें तो 11/12/14 ये 3 तारीख को आप लोगों का एग्ज़ाम रखा गया है। 11 मई 12 मई और 14 मई ये 3 डेट आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए रखी गई है। ठीक है, चलिए इसके बारे में आप बताते हैं आगे डिटेल में। देखिए ये आपका कैटेगरी और पोस्ट है, हम सिर्फ आईटीआई वालों का कैटेगरी और पोस्ट बताने वाले हैं, बाकी लोग अपना देख ले। इसमें बीए बीटेक और बीएससी अब ग्रेजुएशन वालों के लिए और डिप्लोमा वालों के लिए भी है। ठीक है, तो वो लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं, हम आईटीआई वालों का बता रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए आईटीआई वालों के लिए जो है वो 2 सीटों पे निकाली गई है। ठीक है, कितनी सीटों पे? 2 सीटों पे। देखिए पहला है मेंटेनर इलेक्ट्रिकल। ठीक है, मेंटेनर इलेक्ट्रिकल जिसमें 78 सीटें हैं टोटल, इसमें आपकी सैलरी रखी गई है 19,500 से 39,500। मेंटेनर इलेक्ट्रिकल यानी इलेक्ट्रिकल ट्रेड वालों के लिए 78 सीटें हैं जिसमें 19,500 से 39,900 रुपये आपकी सैलरी रहेगी। इसमें आपका एनसीबीटी या एससीबीटी से इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आपका होना चाहिए आईटीआई, वो भी 60% मार्क्स के साथ, कम से कम आपका 60% मार्क्स होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन में। ठीक है, फिर क्या है? फिर कहा है अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वैकेंसी आर विथ मिनिमम 50%। अगर आप अनरिजर्व या ओबीसी हैं तो आप लोग 50% अगर लाएँ तो भी आपका हो जाएगा। ठीक है, एससी एसटी ओनली। ठीक है, 21 साल से 28 साल आपका एज लिमिट रखा गया है, 21 साल से 28 साल। अब दूसरा सीट जो है आईटीआई वालों के लिए वो है मेंटेनर एसएनटी, मेंटेनर एसएनटी इसमें भी आपका 19,500 से 39,500 रुपये सैलरी है, टोटल 26 सीटें हैं। ठीक है, टोटल 26 सीटें किस कैटेगरी में कितनी है ये देख लीजिए आप लोग। इसमें भी आपका एनसीबीटी या एससीबीटी से आरटीआई होना चाहिए, वो भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड में, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड में। ठीक है, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, कितने परसेंट मार्क्स के साथ? मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। इसमें भी आपका एज 21 से 28 साल रखा गया है और B1 ग्रेड में है ये। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं। आगे देखिए आपको बताते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। तो देखिए क्वालिफिकेशन जो होगा वो आपका होगा कैंडिडेट अप्लाइंग पोस्ट शुड हैव इनिशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज पर नोटिफिकेशन एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब क्लोजिंग डेट से पहले आप लोग फॉर्म को फिल कर दीजिए। मिनिमम मार्क्स आप रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन 60% कैटेगरी वाइज है और EWS UR OBC 50% मार्क्स। कंडक्ट कैंडिडेट ऑफ फॉर वैकेंसीज रिजर्व फॉर SC ST। ठीक है, SC ST वालों के लिए नो मिनिमम परसेंटेज। प्रोसेस की बात करें तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा तो देखिए असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट मैनेजर SNT ऑपरेशन, द सिलेक्शन मेथोलॉजी विल कॉम्प्रोमाइज 2 स्टेज यानी 2 स्टेज में आपका सिलेक्शन होगा। पहला होगा आपका रिटन टेस्ट, ठीक है, और दूसरा होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन आपकी होंगी। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं आपको, बाकी चीज़ें आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो देखिए, कैंडिडेट ऑफ मेडिकली क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी कैंसल्ड, कैंडिडेट हैव अंडरगोन लेसिक सर्जरी आर नॉट सप्टेबल फॉर एनी पोस्ट, यानी कोई भी सर्जरी आपको किसी भी पोस्ट के लिए एक्सेप्टेड नहीं है, ठीक है। बात करते हैं रिटन टेस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे और कैसे क्या होगा। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे आपके, सीबीटी बेस एग्जाम होगा, यानी कंप्यूटर पर क्वेश्चन विल बी बिलिंगुअल विजुअल आई ई यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा आपका। इट विल कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन टू जज योर नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल एबिलिटी, ऑब्जेक्टिव एप्टीट्यूड एंड नॉलेज। ये चार सब्जेक्ट पर आपका पेपर होगा, ठीक है। देयर विल बी 140 क्वेश्चन, टोटल 140 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, टोटल 140 क्वेश्चन होंगे। ईच क्वेश्चन क्राइंग इक्वल मार्क्स, सभी के इक्वल मार्क्स होंगे। देयर विल बी टोटल 100 क्वेश्चन फॉर कैटेगरी एंड ई, क्वेश्चन क्राइंग इक्वल मार्क्स। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग एवरी रॉन्ग आंसर, सभी नेगेटिव मार्किंग है 1/3 पर, ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन करेंगे, 3 क्वेश्चन गलत करेंगे तो एक नंबर सही वाले में से आपका कट जाएगा, तभी 1/3 इसमें दिया है, ठीक है। अब पेपर शैल बी 2 आवर्स, यानी 2 घंटे का आपका पेपर होगा, और एग्जामिनेशन विल कंडक्टेड थ्रू ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड होगा, ठीक है। चलिए, बाकी चीज़ें आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। अब देखिए, इसमें कहा है साइको एप्टीट्यूड टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन एट लखनऊ, साइको एप्टीट्यूड टेस्ट एट द क्वालिफाइंग टेस्ट। आपको साइको एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, वो सिर्फ आप लोगों को क्वालिफाइड की बात करें एग्जामिनेशन सेंटर की, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें आपका अलीगढ़, आगरा, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा, प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, बस्ती एंड सीतापुर और एनी अदर MRC, ये आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा UPMRC के लिए, ठीक है। चलिए, आपको सैलरी बता ही दिया है, पोस्ट वाइज क्या होगा, 30,600 रुपये आपका GST ट्रेनिंग कॉस्ट कटेगा, 30,600 रुपये 18% के हिसाब से 23,600 रुपये आपका GST कॉस्ट होगा, ठीक है, पोस्ट के हिसाब से जिसका जितना होगा। तो बाकी चीज़ें आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अभी इसके हमने आपकी फ़ीस नहीं बताई है, तो आपको फ़ीस बता देते हैं। पहले एज रिलैक्सेशन की बात करें तो 5 साल आपका SC ST OBC के लिए, SC ST OBC कैंडिडेट के लिए, ठीक है, और उत्तर प्रदेश रिजर्व पोस्ट ओनली इफ़ SC ST OBC कैंडिडेट अवेल बेनिफिट एज रिलैक्सेशन, ठीक है। अंडर देखिए, 3+ सब्जेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन एज ऑफ 40+, यानी कि आपका 40+ एग्जाम ले सकता है। चलिए आगे बात करते हैं, एग्जामिनेशन फीस की, पेमेंट की। तो देखिए, पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस UR OBC EWS इन सभी के लिए 1180 रुपये, कितना 1180 रुपये EWS UR और OBC के लिए, ठीक है। 18% GST इंक्लूसिव होगा, बैंक चार्ज एंड प्रोसेसिंग चार्ज लेकर, ठीक है। पेमेंट गेटवे फॉर इच पोस्ट, और वहीं आपका 826 रुपये होगा नॉन रिफंडेबल, क्या होगा ये नॉन रिफंडेबल 826 रुपये इंक्लूसिव GST 18%, बट एक्सक्लूसिव ऑफ बैंक चार्ज एंड प्रोसेसिंग चार्ज कन्वेंस फी ऑफ पेमेंट गेटवे ऑफ इच पोस्ट, ठीक है। अब हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है आप लोगों को पता ही है कैसे अप्लाई किया जाता है। सबसे पहले आपको इसके लिंक पे जाना है, वहाँ क्लिक करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, फॉर्म फिल करना होगा और सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, फिर आपको पेमेंट इसका करना होगा, ठीक है। और लेटेस्ट फोटो, पासपोर्ट साइज, कलर फोटो लेके जाएगा, सिग्नेचर, स्कैन कॉपी, सब ये सब करेगा आपका, ठीक है। तो चलिए, हमने आपको सभी चीज़ें लगभग बता दी हैं, जो चीज़ें आपको नहीं समझ आएंगी आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे फिर नए वीडियो में, वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, नमस्कार।